पे असाइनमेंट जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स एफ एक्सेलेरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है यहाँ पे कि एनर्जी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सेलेरेशन एंड टाइम निकालना है। तो हम लिखेंगे कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले फोर्स, और मुझे नहीं पता तो फोर्स का पावर ए ले लेंगे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन के पावर बी हो जाएगा और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के पावर सी हो जाएगा। जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर ए, ए के पावर बी और टी के पावर सी। सो एनर्जी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट एफ का पावर ए, ए के पावर बी और टी के पावर कितना हो जाएगा सी। व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो दिस इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, पावर कितना हो जाएगा ए, एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू पावर हो जाएगा बी और टाइम का पावर हो जाएगा सी। इसके बाद दोनों तरफ इक्वेट करना है बेटा, और इक्वेट करके जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट और मास का पावर कितना आ जाएगा ए, एल का पावर आ जाएगा ए प्लस बी एंड टाइम का पावर आ जाएगा माइनस टू ए एंड माइनस टू बी एंड प्लस सी। अब यहाँ पे आपको इक्वेट करना है तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वन एंड ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा टू एंड लास्ट जो इक्वेशन बनेगा माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू। इन तीनों को बेटा सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आएगी। जब ए बी सी की वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बेटा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका आंसर जो है बेटा वो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ, लेंथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर टू को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर टू में लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू है 55.3 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ इक्वल टू है बेटा यहाँ पे सो दिस इज इक्वल टू 25 मीटर। जब इसको आप मल्टीप्लाई, एरिया पूछा है आपसे तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 55.3 इनटू 25, सो दिस इक्वल टू यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1382.5 आ जाएगा, 1382.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन सवाल ये है कि आपका अगर लेंथ देखें तो लेंथ में जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है और जो एरिया ब्रेथ है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो हमें जो आंसर देना होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देना होता है। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आप अप्रॉक्स करेंगे बेटा, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1400 के करीब आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड 14 × 10^2। सो द आंसर इज़ थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड में है द डायमेंशंस दिस बिलोंग्स टू, तो ये बेटा आपको सेल्फ इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसका डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला। और ये जो डायमेंशन यहाँ पे गिवन है वो इलेक्ट्रिक परमिट, ये जो डायमेंशन गिवन है मैग्नेटिक परमिबिलिटी का, ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी का डायमेंशन आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर एंड देर आर 50 डिविजन्स इन इट सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। हम सभी जानते हैं बेटा कि पिच इक्वल टू होता है आपका पिच, लिस्ट काउंट इक्वल टू, हम लिस्ट काउंट निकालें एंड लिस्ट काउंट इक्वल टू जो होता है दिस इज लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो लिस्ट काउंट कितना है 0.01, सो दिस इज इक्वल टू पिच एंड डिवाइडेड बाई आपका नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50। सो पिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज 0.5 कितना हो जाएगा mm, सो 0.5 mm आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे पिच आ जाएगा। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें तो क्वेश्चन नंबर फाइव 9.99 माइनस 0.0099, जब इसको माइनस करेंगे बेटा तो माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 9.98 01 आ जाएगा, ठीक है 9.98 01, एक बार करके देख लेते हैं 9.99 0.0099, तो माइनस करो कितना हो जाएगा 10, तो 9 1 10 तो ये हो जाएगा 9,
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, तो 9.9980। लेकिन सवाल ये है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है बेटा, तो डेसिमल के बाद जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसी के टर्म में हमें आंसर देना होता है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे लीस्ट डिजिट कितने हैं, 2, तो लीस्ट डिजिट के टर्म में यहाँ पे 2 है, तो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट के टर्म में इसको आंसर देना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 9.98 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 5 जो है बेटा इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है स्क्रू गेज फॉलोइंग रीडिंग गिवन है आपको। मेन स्केल रीडिंग गिवन है 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन, एंड गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच जो 1 mm है बेटा मेन स्केल पे, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सो दिस इज 0.01 मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट। नाउ व्हाट इज द टोटल रीडिंग, द टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.52 कितना हो जाएगा, दिस इज मिलीमीटर। एंड दिस इज इक्वल टू अगर मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे बेटा तो 0.052 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो थर्ड पार्ट जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है बेटा, डिस्टेंस की यूनिट है। एंड द पैरासेक इज द यूनिट ऑफ, तो पैरासेक भी डिस्टेंस की यूनिट है क्योंकि हम जानते हैं लाइट ईयर पैरासेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तीनों जो है बेटा वो डिस्टेंस की यूनिट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट डायमेंशन किसका है। तो देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम होता है बेटा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस, तो स्ट्रेस का डायमेंशन जो होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, तो ये सेम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देखो अलग है बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR² होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है बेटा, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, अलग होगा। 9 का सीधे कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज कॉल्ड एक्शन, द डायमेंशन फार्मूला फॉर एक्शन इज सेम एज दैट ऑफ, तो एनर्जी इंटू टाइम, तो एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, सो दिस इज कल टू ML² T-2, और टाइम का क्या हो जाएगा टी, सो दिस इज कल टू ML² T-1। तो ये किसका डायमेंशन होता है बेटा ML² T-1, चार ऑप्शन आपको गिवन है, पावर, एंगुलर एनर्जी, फोर्स इंटू वेलोसिटी एंड इम्पल्स इंटू डिस्टेंस। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस अगर करें तो इम्पल्स क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम और इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का हो जाएगा ML T-2, टाइम का कितना हो जाएगा दिस इज टी, एंड डिस्टेंस का कितना हो जाएगा एल। सो अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ML² T-1, तो इसी का डायमेंशन फार्मूला आ रहा है, सो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशन आर ML² T-2। सभी को पता है बेटा कि ये एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी का यही डायमेंशन फार्मूला होता है, ML² T-2 होता है। सो करेक्ट आंसर इज 1, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर देखें तो डायमेंशन ऑफ ML-1 T-2 कैन करस्पॉन्ड टू किसका डायमेंशन है बेटा, ML-1 T-2 ये डायमेंशन जो है वो किसका है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, टॉर्क का, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा F × R, तो फोर्स का होता है ML T-2 और R का होता है L, तो ये इसका नहीं होगा बेटा, नहीं आएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में बेटा MT-2 होता है, उसमें L नहीं आता। प्रेशर, प्रेशर का अगर हम देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 हम देख कर रहे हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होगा दिस इज ML T-2 एंड एरिया का होगा L², सो दिस इज इक्वल टू ML-1 T-2, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो प्रेशर जो है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका थर्ड पार्ट जो प्रेशर है उसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ EM, J and G डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली, देन EJ² / M^5 × G² ये किसका डायमेंशन हो जाए, हैज द डायमेंशन ऑफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 भी बेटा एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है,
जे जो है एंगुलर मोमेंटम, उस जे जो है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन पता है आपको, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है, डायमेंशन पता है आपको। जी जो है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन पता है सबका। डायमेंशन जब यहाँ पे पुट करोगे बेटा, सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे एंगल आ जाएगा बेटा, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एंगल मतलब कि रेडियन यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। सो सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, आप इसकी वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है बेटा द वेलोसिटी वी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम बाय द रिलेशन वी इजकल टू, यहाँ पे क्वेश्चन है, दिस इज वी इजकल टू ए टी, वी इजकल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। आपसे पूछा है डायमेंशन ए बी सी डी, आप इन सभी का डायमेंशन बताइए। तो हम जानते हैं बेटा कि कोई भी इक्वेशन होता है तो उसमें जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे ए टी है, तो ए टी का जो डायमेंशन होगा बेटा ए इंटू टी, वो वेलोसिटी के बराबर होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना, एल टी माइनस वन। सो ए इसका टू कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज़ एल टी माइनस टू। सो ए का डायमेंशन जो आएगा बेटा, दिस इज़ एल टी माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन यहीं से दिख रहा है बेटा कि थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी किसी में भी ए का डायमेंशन ये नहीं है। बाकी आप इधर से ही निकाल सकते हैं, टी प्लस सी है बेटा, तो टी का डायमेंशन जो होगा टी कैपिटल टी होगा, तो जो टी का डायमेंशन है वही सी का होगा, तो सी का कैपिटल टी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी इज गिवन बाई द रिलेशन एक्स टी इजकल टू। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि x विल डिपेंड ऑन t एंड दिस इज कल टू वी नॉट अपॉन अल्फा इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा t। आपसे पूछा है वी नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, वी नॉट वी थीटा है बेटा, नॉट नहीं थीटा है, वी थीटा, तो वी थीटा इज ए कॉन्स्टेंट एंड अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, द डायमेंशन ऑफ वी थीटा एंड अल्फा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बी थीटा और अल्फा का डायमेंशन पूछा है। देखो बेटा ई का एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका पावर अगर कुछ भी होता है बेटा तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू टी है तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस मतलब वन के बराबर होगा। सो अल्फा इजकल टू वन अपॉन क्या हो जाएगा टी, तो टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा कैपिटल टी। सो दिस इजकल टू टी टू पावर माइनस वन, मतलब अल्फा का जो डायमेंशन होगा बेटा टी टू पावर माइनस कितना होगा, वन होगा। अल्फा का जो डायमेंशन होगा टी टू पावर माइनस वन होगा। सवाल ये आता है कि वी थीटा का डायमेंशन क्या होगा सर, तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अगर ये डायमेंशन लेस होता है बेटा और यहाँ पे डिस्टेंस है एक्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इजकल टू वी थीटा अपॉन अल्फा, मतलब डिस्टेंस इनटू अल्फा इजकल टू वी थीटा। सो वी थीटा इजकल टू कितना, तो डिस्टेंस का कितना होता है डायमेंशन एल, और अल्फा का कितना है टी टू पावर माइनस वन। सो दिस इजकल टू किसका कितना डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन होगा किसका वी थीटा का। सो वी थीटा का एल टी माइनस वन। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं बेटा थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिर से बेटा पूछा है फोर्स इज गिवन बाय एफ इजकल टू पी टी पावर माइनस वन प्लस अल्फा टी बाय टी इज द टाइम, द यूनिट ऑफ पी इज सेम एज दैट ऑफ पी का। तो फिर से हमने पहले कहा बेटा कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसमें जितने भी टर्म है बेटा सबका डायमेंशन सेम होता है, मतलब पी टी टू पावर माइनस वन जो है बेटा इसका फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। सो पी और इसका डायमेंशन हो गया टी टू पावर माइनस वन, सो फोर्स का हो गया दिस इज एम एल टी माइनस कितना हो गया टू। सो पी इजकल टू हो गया दिस इज एम एल टी टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई कितना हो गया टी टू पावर माइनस वन। सो दिस इजकल टू यहाँ पे बन गया आपका एम, दिस इजकल टू एम एल और टी टू पावर माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो टी टू पावर वन हो जाएगा। सो टी टू पावर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा वन, एम एल टी टू पावर कितना हो जाएगा माइनस वन। और एम एल टी टू पावर माइनस वन अगर हम देखें बेटा तो जो डायमेंशन होता है मोमेंटम का होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सो मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा व्हेन ए वेव ट्रांसवर्स मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स टाइम टी इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट ऑफ द वेव, द डायमेंशंस ऑफ बी आर। देखो तो अगर आप इक्वेशन देखें वेव का तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था बेटा ओमेगा टी, तो बी क्या होता है ओमेगा के बराबर होता है बेटा, बी जो होता है ओमेगा के बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन द एबव इक्वेशन, क्वेश्चन डायमेंशंस ऑफ बी अपॉन सी, ऊपर वाले जो इक्वेशन है बेटा उसमें डायमेंशन बी और सी, बी अपॉन सी का क्या हो जाएगा, तो बी हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और सी हो गया के,
ठीक है। और ओमेगा अपन के जो होता है बेटा वो वेलोसिटी का बराबर होता है, वेव की वेलोसिटी के बराबर होता है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, वेव में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन में वेव जब पढ़ते हैं तो वेव में ओमेगा अपन के इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव होता है बेटा। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर।